Hello guys, welcome to the Manoeuvre Education. My name is Surya Sir and today in this particular video we'll talk about the CAP round 3. Guys, CAP round को लेकर काफी सारे doubts हैं in your mind. First of all, tell me, have you got any seat in round 1? या फिर round 2 में मिली है आपको या फिर आप try कर रहे हो round 3? Okay, बहुत सारी mistake हो चुकी है. Institutional round क्या है? ये direct admission process है guys. यहाँ आपको college में visit करके admission नहीं लेना है, लेकिन आपको CAP portal पे login करना है. राइट, न्यू रजिस्टर भी कर सकते हो. ऑलरेडी एडमिटेड जो कैंडिडेट है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट उनको एडमिशन कैंसिल करना होगा. ओके, वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल द एंड टू क्लियर योर ओवरऑल डाउट्स, क्योंकि राउंड 3 रेड लाइट गाइज, ये लास्ट राउंड है. इसके बाद आपका एडमिशन नहीं होने वाला किसी भी कॉलेज में. सो वीडियो को ध्यान से देखना है एंड तक. इंस्टीट्यूशनल राउंड में आप लॉग इन करोगे, आपके फ्रेश ऑप्शंस भी फिल करोगे. ओके बस यही बात है कि यहाँ कोई स्क्रूटिनी नहीं बैठने वाली है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए. आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाले हो डायरेक्ट इंस्टीट्यूट को पता चलने वाला है, और इंस्टीट्यूट अपने बेसिस पर एक मेरिट डिक्लेयर करेगी. अब वो मेरिट क्या हो सकती है वो इंस्टीट्यूट को ही पता होगा, और इंस्टीट्यूट क्या करेगी, पहले तो वैकेंसी रिपोर्ट भेजेगी एंड आउट ऑफ दीज ऑल सीट्स, ये सीट्स फिलअप करने के लिए आप सारे कैंडिडेट ट्राई करने वाले हो. सो फर्स्ट राउंड में आपको कोई सीट मिली है, आप एडमिशन लेने नहीं गए, देन आपने ट्राई किया इन सेकेंड राउंड. सेकेंड राउंड में आपको कोई भी XYZ कॉलेज मिली है, लेकिन आप खुश नहीं हो और आप सोच रहे हो कि मुझे राउंड 3 में एडमिशन लेना है. सो राउंड 3 में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो या नहीं. गाइस ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखो. एक नोटिस जारी हुआ है ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, उस नोटिस को ध्यान से पढ़ लो, हम उसी के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दी main video, and before moving further guys, we have launched the law specific YouTube channel and the B.ED specific YouTube channel, so I have provided the link in the description and don't forget to subscribe the channel क्योंकि guys यहाँ बहुत सारे updates आपको मिलते रहेंगे. So here it is, notice round 3 higher education courses 19 Jan. okay guys, higher education courses मतलब आपके law 3 years, law 5 years and B.ED related जितने भी course है सबके लिए एक ही notice है. So just click on this particular link. Instructions to the candidates and institute for institutional level round, जो आपका direct admission round है. Okay guys, in detail हम इसको समझेंगे कि ये क्या होने वाला है. So जो third round है, the final institutional round of admission for all higher education professional courses will be conducted at the level of admitting college. जो रिस्पेक्टिव कॉलेज जितनी भी सीट वैकेंट है या फिर उनके पास इंस्टीट्यूशनल कोटा है या फिर मैनेजमेंट कोटा है, तो वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं यहाँ. नाउ द अनएडेड कॉलेज इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट्स हु हैव नॉट सरेंडर्ड द इंस्टीट्यूशनल लेवल कोटा टू सीईटी सेल विल बी एबल टू फिल द मैनेजमेंट कोटा सीट्स, क्योंकि उनके पास मैनेजमेंट कोटा सीट्स होती है. ओके, थ्रू सिस्टम जनरेटेड ऑनलाइन मेरिट लिस्ट फॉर मैनेजमेंट कोटा. द सिस्टम विल हैव 2 सेपरेट बटन्स फॉर जनरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, ACAP सीट्स and management quota seats. Okay, the candidates will view the vacancy position in each college on the portal. आप अपने पोर्टल पर वैकेंसी रिपोर्ट देख सकते हो, GLC में कितनी सीट्स बाकी है, ILS में इंस्टीट्यूशनल कोटा है या नहीं है, अगर है तो कितनी सीट्स वैकेंट है, रिजवी कॉलेज में कितनी है, या फिर आप B.ED के लिए ट्राई कर रहे हो तो BDTC में कितनी है, सेंट जेवियर्स में कितनी है, सूरजभान गांधी में कितनी है. सो पहले आपको सीट देख लेनी है, वैकेंसी रिपोर्ट गाइज ये बहुत ज़रूरी है. एक बार वैकेंसी देख लो कितने वैकेंट सीट्स है, देन उन सीट्स के लिए आपको ट्राई करना है. लेकिन हाँ गाइज एक बात याद रखना कि यहाँ कंपटीशन जो है वो काफ़ी टफ होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिली है. फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड से वो सेटिस्फाइड नहीं है और थर्ड राउंड में वो ट्राई कर रहे हैं अपने ड्रीम कॉलेज के लिए. सो दैट्स वाई कॉम्पिटिशन बहुत टफ होने वाला है. ओके, द कैंडिडेट्स विल गिव चॉइसेस टू देयर कॉलेज ऑफ देयर चॉइस. ओके, आपको अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस के लिए चॉइसेस देने, और मेक श्योर जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा आपको यहाँ ऑप्शंस देने. गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 1 या 2 ऑप्शंस पे ही पार्टिसिपेट किया है, राउंड 1 में भी और राउंड 2 में, और इसी की वजह से उनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है. सो अब राउंड 3 में आपको ट्राई करना है विथ मैक्सिमम ऑप्शंस. द कैंडिडेट विल गिव सेपरेट ऑप्शंस फॉर कैप सीट्स एंड मैनेजमेंट सीट्स. CET सेल विल मॉनिटर ओनली ACAP सीट्स एलोकेशन थ्रू ऑनलाइन सिस्टम. सो CET सेल आपको प्रोवाइड करने वाली है ACAP सीट्स. ओके, एलिजिबिलिटी फॉर इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड. नाउ इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और अब राउंड 3 के लिए सोच रहे हैं. So all non-admitted candidates are eligible to participate in institutional level round, जिनको अभी भी कोई कॉलेज नहीं मिला है. Second, अगर admitted candidate की बात हो, then admitted candidates are eligible to participate in institutional level round admission process, provided they cancel the admission of round 1, round 2 through admitted college login. So पहले आपको क्या करना होगा, round 1 और round 2 में जो भी कॉलेज मिली है वहाँ से admission cancel करना है, then आपको यहाँ participate करना है. The cancelled seat will be forfeited and will not be made available to the candidate if he fails to get the admission in the institutional level round in the desired college. अगर आपको round 3 में admission नहीं मिल रहा है, then ये जो seat है round 1 और round 2 की, ये तो already cancel होने वाली है. यहाँ अगर admission नहीं मिला तो यहाँ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ already आपने admission cancel कर दिया है. Candidates who have failed to register in round 1 and round 2 will be able to register in the institutional level round, but their documents will not be scrutinized by the e-scrutiny team. वहाँ कोई टीम नहीं बैठी है. Okay, it will responsibility of the candidate to read all instructions and notices and fill all the details carefully and match it with the uploaded documents. जो भी आप documents upload कर रहे हो, आपको check कर लेना है. Okay, the admitting college will verify the documents of such candidates very carefully. क्योंकि जो college है, जो आपको admission दे रही है, वो काफी carefully ध्यान से देखने वाली है और कुछ भी mistake हो गई, तो वो आपका admission cancel कर देगी. Okay. All candidates who have registered for institutional level round on the CAP portal for first time will be placed below the first and second round merit list candidate irrespective of their CET and academic score. आपका score कितना भी हो, 110 या 100 score किया है, जो first round और second round की जो merit होगी उसके below ही आपकी listing होने वाली है. Okay guys, now most important one, editing the CAP application form and giving options. सो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एक्सेप्टिंग ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट्स, जो एडमिटेड हो चुके हैं उनका नहीं. ओके, ऑलरेडी रजिस्टर्ड विल बी एबल टू एडिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म एंड कैन चेंज एनी इन्फॉर्मेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एज पर देयर प्रोफाइल एंड एजुकेशन, बट देयर एप्लीकेशन विल नॉट बी स्क्रूटिनाइज. जैसे कि मैंने बोल दिया आपको, ऑलरेडी लॉग कन्फर्म कैप एप्लीकेशन कैन ऑल्सो एडिटेड बाय द कैंडिडेट्स बाय अनलॉकिंग इट फ्रॉम ओन लॉगिन. आप अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हो. जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, आपको अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म करना है, उसके पहले आपको ऑप्शन फॉर्म अनलॉक करने होते थे. ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, सिर्फ अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म पर जाना है और सारी जो डिटेल्स है वो एडिट कर लेनी है. इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू गिव मैक्सिमम कॉलेज चॉइसेस, और यहाँ सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है, आप चॉइसेस मैक्सिमम नहीं दे पाते हो एंड दैट्स वाई आपको कोई इंस्टीट्यूट अलॉट नहीं होता है. सो अगर राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना है तो मैक्सिमम कॉलेज के ऑप्शंस आपको फिल करने होंगे. अंडरटेकिंग टू बी एक्सेप्टेड बाय द कैंडिडेट्स. गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राउंड 3 में कोई ई स्क्रूटनी सेल बैठी नहीं है वेरीफाई करने के लिए, और राउंड 3 दैट इज़ योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ओके, सो ये अंडरटेकिंग है, आपको यहाँ क्लिक करना होगा. ऑल कैंडिडेट पार्टिसिपेटिंग इन राउंड 3 विल हैव टू एक्सेप्ट द फॉलोइंग अंडरटेकिंग बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन स्टेटस. जो भी आपका एप्लीकेशन स्टेटस आपको कहेगा, इफ एप्लीकेशन फॉर्म इज ऑलरेडी लॉक कन्फर्म एंड कैंडिडेट डज नॉट वॉन्ट टू एडिट, आई हैव वेरीफाइड माई एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली, द इन्फॉर्मेशन फील्ड माई एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट एंड इट इज मैचिंग विद द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड, हेंस आई एम नॉट एडिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म बट ओनली अपडेटिंग माई चॉइसेस ऑफ इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस, तो यहाँ आपको क्लिक करना है. इफ एप्लीकेशन फॉर्म इज ऑलरेडी लॉक कन्फर्म एंड कैंडिडेट वांट टू एडिट, देन आपको ये अंडरटेकिंग पे क्लिक करना है. ओके, इफ एप्लीकेशन फॉर्म इज ऑलरेडी अनलॉक नॉट कन्फर्म, देन यू आर solely responsible for the same. For newly registered candidate, so after completion of choice giving period mentioned in column number 3, system will generate college wise merit list. It will be available on course public homepage as well as college login also. Candidate will appear in the merit list of all colleges for which he has given the choices. So आपने जो भी choices दी है उनकी list में आप आने वाले हो. So जो respective timeline है with respect to all the courses as follows. So B.A, B.Ed, B.Sc, B.Ed 17 to 19 जैन आप एडिट कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी कर सकते हो. दे आफ्टर कॉलेज मेरिट विल बी आउट ऑन 20th of Jan. ओके, यू हैव टू टेक एडमिशन 21 to 25th एंड देन कट ऑफ डेट फॉर द एडमिशन. ओके, सो विथ रिस्पेक्ट टू लॉ 5 years, 28 Jan to 1st of Feb. 3rd Feb विल बी द मेरिट लिस्ट आउट. 4 to 9 के बीच में आपको एडमिशन ले लेना है एंड 11th Feb इट इज़ द कट ऑफ डेट. लॉ 3 years को लेकर 9 to 11 Feb, 14 Feb मेरिट लिस्ट आउट होने वाली है. 15 to 18 के बीच में आपको एडमिशन ले लेना है एंड 22nd of Feb ये कट ऑफ डेट होने वाली है. सेम फॉर बी एड 16 to 21st of Feb. ओके, सो रिस्पेक्टिव डेट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू गाइज. ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है, जो भी इस पीडीएफ में दिया है, सारी इन्फॉर्मेशन को केयरफुली गो थ्रू कर लो गाइज. ओके, सारी चीज़ें याद रख दो और उसके बाद ही थर्ड राउंड के लिए पार्टिसिपेट करना है. फर्स्ट राउंड में क्या हुआ है, सेकेंड राउंड में क्या हुआ है, भूल जाओ. थर्ड राउंड में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो सबसे पहले वैकेंसी रिपोर्ट देख लेनी है. उसके बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा मैं गाइज. सो स्टे ट्यून विद आवर यूट्यूब चैनल और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे. ओके, एंड लाइक द वीडियो, सो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए. Okay my friends, now very important instructions to the college and candidates after the end of admission process of all admitting college. Okay, ये admission होने के बाद की report है जो आपको college ID मिलने वाले है. Okay, institutional level round admission guidelines. Okay, अब admission जो vacancies है कैसे होने वाली है या फिर वो fill कैसे होने वाली है. College should admit the candidates in their colleges as per the system generated institute level common merit list as per the candidates eligibility and category candidature type wise vacancies. Okay, कैसे देखेंगे eligibility and category candidature type wise. The newly registered candidates will be placed below already registered candidate, जो पहले register कर चुके हैं first round में, फिर second round and then third round. So इनकी merit list, second round की merit list, फिर बाद में आने वाली third round की merit list. No candidates is to be admitted without ड्यू स्क्रूटिनी ऑफ फेल्ड इन डॉक्यूमेंट अपलोडेड एंड वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. जब तक आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होने वाले हैं आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला. अब ओएमएस स्टूडेंट्स काफ़ी बोल रहे हैं कि सर हम विजिट नहीं कर पाएंगे, सो हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा. गाइज देखो, ऑनलाइन प्रोसेस तो है ही, यहाँ आप डॉक्यूमेंट्स तो सबमिट कर दोगे. अब थर्ड राउंड में कोई स्क्रूटिनी बैठी नहीं है वेरीफाई करने के लिए, लेकिन अगर आपको XYZ किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो वहाँ तो आपको विजिट करना ही होगा एडमिशन लेने के लिए और सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल दिखाने होंगे और वहाँ वेरीफाई करने होंगे. सो मेक श्योर जो भी आप डेटा फिल कर रहे हो फॉर राउंड 3 वहाँ कोई भी मिस्टेक ना हो ताकि एडमिशन प्रोसेस के समय कोई तकलीफ ना हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर द कैंडिडेट्स एडमिशन. इफ वैकेंसी इज अवेलेबल इन द कॉलेज देन एडमिट द कैंडिडेट्स ऑफ द सेम कोटा MS/OMS एज पर इंस्टीट्यूशनल लेवल मेरिट लिस्ट. इफ देयर इज वैकेंसी इन कैटेगरी allocate the seat to the same category and candidate as per the system generated merit list. If the candidate of the same category is not available in the merit list, then college can convert the seat to the nearest category as per the category groups mentioned in the information brochure. SC की seat vacant है, then ST को मिल जाएगी और ST की है then OBC and TA, B, C, okay, accordingly आपको seats मिलने वाली है. If there is vacancy and if same quota candidate is not available, then convert the quota MS to OMS और OMS to MS. ओके, सो गाइज यहाँ आपके चांसेस बन सकते हैं. अगर MS की सीट्स वैकेंट है सो OMS कैंडिडेट आप ट्राई कर सकते हो. अगर MS से सीट्स फिल नहीं होगी तो ये OMS को मिलने वाली है. और OMS की सीट्स अगर वैकेंट है दैन महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट ट्राई कर सकते हैं क्योंकि OMS की सीट्स MS को मिलने वाली है. नाउ विथ रिस्पेक्ट टू द NRI कैंडिडेट्स. ओके, NRI सीट्स अगर वैकेंट रहती है अनएडेड एंड अनएडेड माइनॉरिटी कॉलेजेस में सो वो सीट्स मिलने वाली है महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट को. फर्स्ट प्रायोरिटी महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट. ओके, एंड गवर्नमेंट एडेड एंड एडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट दैन ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इनको सीट्स मिलने वाली है. अगर वहाँ सीट्स वैकेंट रहती है तो आपके चांसेस है टू गेट एडमिशन इन गवर्नमेंट एडेड एंड एडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट. ओके, आप ट्राई कर सकते हो गाइज OMS कैंडिडेट. नाउ हाउ टू फिल वैकेंट ऑल इंडिया कोटा OMS सीट्स इन गवर्नमेंट एडेड अनएडेड इंस्टीट्यूट्स. इफ द सीट रिमेन वैकेंट फ्रॉम OMS कैंडिडेट इट विल बी फिल्ड फ्रॉम द महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट फ्रॉम ओपन कैटेगरी कैंडिडेट्स ओनली. ओके, सो ओपन कैटेगरी के जो महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट है उनको ही यहाँ सीट मिलने वाली है. नाउ विथ रिस्पेक्ट टू द माइनॉरिटी कोटा, सो माइनॉरिटी कॉलेजेस के लिए अगर सीट्स वैकेंट है, अभी भी आपको राउंड 1 में भी वैकेंसी दिखी थी, अब राउंड 2 के बाद जो वैकेंसी आने वाली है गाइज आप यहाँ टारगेट कर सकते हो. द सीट्स अंडर माइनॉरिटी कोटा इन द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन लिंग्विस्टिक और रिलीजियस शाल बी अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू सेम माइनॉरिटी. पहले तो माइनॉरिटी को प्रेफरेंस देंगे, फिर उसके बाद देने वाले महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स को, और उसके बाद भी अगर सीट वैकेंट रहती है देन ऑल इंडिया कैंडिडेट्स को सीट मिलने वाली है. नाउ इंपॉर्टेंट नोट गाइज, कैंडिडेट्स गिविंग मल्टीपल चॉइसेस फॉर इंस्टीट्यूट लेवल राउंड शुड कीप इन टच विद द कॉलेज एंड टेक जुडियस डिसीजन एज पर देयर ओन मेरिट एंड प्लेस इन द इंडिविजुअल कॉलेज मेरिट लिस्ट. सो कॉलेज से बनाकर रखनी है, कॉलेज से कॉन्टैक्ट करते रहो, कॉलेज में बात भी कर सकते हो. Now, no candidate without caste validity, tribe validity or EWS ancestral certificate valid up to 31st March 2022 is to be admitted in the institutional level round. अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है देन आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे गाइस. ओके, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन देन आपके अपने रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स जो है वो बनाकर रख लेना अपने पास. ओके, नाउ दीज ऑल आर द इन्फॉर्मेशन गिवन ओवर हियर गाइज. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है. गो थ्रू ऑल दीज एंड देन डिसाइड कर लो कि राउंड थ्री में हमें पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, क्योंकि राउंड टू में अभी जो भी सीट मिली है आपको वो काफ़ी मेहनत से मिली है, क्योंकि आपने प्रिपरेशन किया है. और जो भी आपको सीट मिली है मेक श्योर, अगर आपको कोई कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है और अगर आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है देन ओनली ट्राई फॉर द इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल राउंड में जो सीट्स है वो मेरिट कॉलेज खुद बनाने वाला है, और कॉलेज जब मेरिट बनाएगा तो स्कोर जो है वो काफ़ी हाई होने वाले हैं. ओके, सो दैट्स वाई थिंक अबाउट इट. 2 से 3 बार ये वीडियो देख लो, ये नोटिस को गो थ्रू कर लो, डिसाइड आपको क्या करना है, राउंड 2 की सीट को फ्रीज करना है या फिर राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना है. राउंड 1 एंड राउंड 2 में आपको जो भी सीट मिली है, अगर आपने एडमिशन ले लिया है, इफ़ यू आर ऑलरेडी एडमिटेड then you won't participate in round 3. You can participate but you have to cancel the admission from the previous college. उस कॉलेज से एडमिशन कैंसिल करना है, और कैंसिल करने के बाद अगर राउंड 3 में पार्टिसिपेट करते हो और राउंड 3 में कॉलेज नहीं मिलती है then ये जो सीट ऑलरेडी मिली थी ये कैंसिल हो जाने वाली है. ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडेज वीडियो. Call on respective numbers for preparation. If you want a classroom coaching then you can join us at Borivali, Vasai and Dadar Center. For all exam updates and notifications, follow our social media handles such as YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. So that's it guys. All the best for your career. See you in the next video.